बोनी कपूर की लाडली बेटी जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। जाह्नवी जल्द ही फिल्म गुड लक जेरी में नजर आने वाली है। इस फिल्म में वो काफी अलग और दिलचस्प किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म के प्रमोशन में जाह्नवी काफी बिजी चल रही हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर ने बताया कि वो काफी समय से परिवार के साथ टाइम नहीं बिता पा रही है, क्योंकि जाह्नवी कपूर के पिता बोनी कपूर एक फिल्म मेकर है, भाई अर्जुन कपूर एक्टर है और छोटी बहन खुशी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रही है। ऐसे में जाह्नवी ने बताया कि वो तीनों में से किसी के साथ भी समय नहीं बिता पा रही हैं, क्योंकि सभी अपने शेड्यूल में बिजी हैं। जाह्नवी ने पिता बोनी कपूर के संग बिताए हुए समय को याद करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि बोनी कपूर संग बीते कुछ समय में उन्होंने सबसे ज्यादा समय तब भी बिताया था जब वह फिल्म मिली में उनके साथ काम कर रही थी। इस सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है और जाह्नवी कपूर इसकी हीरोइन है। ऐसे में जब जाह्नवी कपूर से पूछा गया कि क्या वो कभी अपने भाई अर्जुन कपूर के साथ फिल्म में नजर आएंगी, इस पर उन्होंने काफी दिलचस्प जवाब दिया। जाह्नवी ने कहा, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि हम सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो एक परिवार के रूप में हमें ज्यादा समय साथ बिताने के लिए नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है कि पापा के साथ सबसे ज्यादा समय मैंने मिली के दौरान ही बिताया, क्योंकि हम क्रिएटिवली साथ में कुछ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब मेरे परिवार को साथ लाने के लिए हमें एक फिल्म करनी पड़ेगी और सबको उसमें कास्ट करना होगा। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद हम इस फिल्म का नाम नेपोटिज्म ही रखेंगे। जाह्नवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी 29 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ये तमिल फिल्म का रीमेक है। फिल्म में जाह्नवी कपूर के साथ दीपक डोबरियाल, सुशांत सिंह और मीता वशिष्ठ नजर आएंगे। इसे सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने बनाया है।